ताजमहल दुनिया के सात खूबसूरत अजूबों में से एक। प्यार की मिसाल माना जाने वाला दुनिया का यह अजूबा भारत का गर्व है। ताजमहल देखने में जितना खूबसूरत है, उनकी कहानियां उतनी ही रोचक है। इस अद्भुत स्मारक को सफेद संगमरमर से शाहजहां द्वारा उनकी बेगम मुमताज के याद में बनवाया गया था। दुनिया का हर एक इंसान आज ताजमहल देखने की चाह रखता है। दुनिया के खूबसूरत ताजमहल के साथ कई कहानियां जुड़े हैं, कुछ सच है तो कुछ झूठ भी। तो चलिए आज के वीडियो में ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक कहानियों को जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ताजमहल के बारे में एक कहानी यह प्रसिद्ध है कि ताजमहल बन जाने के बाद शाहजहां ने इसे बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इस कहानी में कितनी सच्चाई है? कुछ इतिहासकार मजदूरों के हाथ काटने वाले किस्से को झूठ बताते हैं। वो कहते हैं कि शाहजहां ने कारीगर से आजीवन काम न करने का वादा लिया था, इसके बदले में उनको जिंदगी भर वेतन देने का वादा किया था। कारीगरों को हाथ से हुनर का काम करने से रोक देने को ही दूसरे शब्द में हाथ काटना कहा गया। शाहजहां ने मजदूरों के लिए अलग बस्ती बनवाई थी। उन सभी मजदूरों के वंशज आज भी उसी बस्ती ताजगंज में रहते हैं। और दूसरी कहानी यह प्रसिद्ध है कि ताजमहल के ऊपर 466 केजी का सोने का कलश लगा था। इतिहासकार राजकिशोर राजेश शर्मा बताते हैं कि ताज के मुख्य गुंबद पर 466 किलो सोने का ठोस कलश लगा था। यह कलश 3 फुट 6 इंच लंबा था। इसे अंग्रेजों ने 810 ईस्वी में बदल दिया था। अब इस पर पीतल का कलश लगा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ताजमहल? कुतुब मीनार को सबसे ऊंची मीनार माना जाता है, लेकिन ताजमहल की ऊंचाई इससे ज्यादा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। और दोस्तों, ताजमहल को बनाने में कितना खर्च लगा, इसका जिक्र उस दौर के किसी भी किताब में नहीं है। बाद में इतिहासकारों ने अलग अलग आकलन किया और किसी ने 90 करोड़ बताया तो किसी ने 132 करोड़। आज तक किसी को सही जानकारी नहीं है कि ताजमहल को बनाने में आखिर कितना खर्च लगा है। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। शाहजहां मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे गलत बताते हैं। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओके ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसीलिए उसे कब्र के रूप में प्रचलित किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रहस्यमयी घटनाओं का वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट मिस्ट्री वर्ल्ड में जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं।